It was great. मैं एक साल बाद गई चंडीगढ़, which is my hometown. And छह साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ. But चंडीगढ़ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, because यादों हम सिर्फ festivals पर जाते हैं, या फिर अब shoot से off मिलता है तभी जा पाती हूँ. तो I went and I met my friends, my school friends. My grandparents live there, so they were very happy. And I went to Jaipur with uh, my best friend this time, and we went there for three days, so we had a lot of fun. This was a surprise only, because no one gets सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ वेकेशन स्पेशली लोगों को एक्टर्स को पहले से बताना पड़ता है कि हमें जाना है एंड मुझे तो मिल गया आफ्टर प्रॉपर सिक्स मंथ्स आई गॉट अ ब्रेक फॉर टेन फिफ्टीन डेज एंड मैंने अच्छा खासा वेकेशन कर लिया आई वॉज शॉक्ड बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं आई हैव ऑलवेज हैड अ यू नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द विन रोल्स एंड हॉलीवुड ऑल्सो

आई थिंक ऐसा पहले होता था मतलब शुरू से वेन वी वॉच सीरियल्स तो होता था कि कमोलिका इज कमोलिका सो एवरी वन रिमेंबर्ड लाइक दैट अभी भी टू सम एक्सटेंट होता होगा पर पहले तो हम ये भी बोलते थे कि टी वी एक्टर्स कान गो इन मूवीज एंड ऑल बट आई थिंक वेब हैज चेंज अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर इट अभी वही एक्टर्स प्रॉपर पॉजिटिव रोल्स भी कर रहे होते हैं एंड साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी कर रहे होते हैं तो वो चीज़ आई थिंक अभी थोड़ी फेड आउट हो गई है एंड आई डेंट वॉन्ट टू हैव दैट यू नो रिस्ट्रिक्शन इन माई माइंड की क्या होगा मैं कहीं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ बिकॉज फिर मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाती एंड आई वॉन्टेड टू हैव एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट सो इसलिए मैंने ऐसा नहीं सोचा अभी भी आई डोंट वॉन्ट टू थिंक लाइक दैट आई थिंक जो होगा अच्छे के लिए ही होगा Um, मुझे एक्चुअली फिफ्टी फिफ्टी मिलता है बिकॉज आजकल सब एजुकेटेड है सब लोग को पता है एक्टिंग तो काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि बैकलैश ही मिलेगा बट लोग काफ़ी सपोर्टिव है एंड इन फैक्ट वो एक्टिंग वाइज वो भी यही बोलते हैं कि आप तो बहुत बच्चे टाइप दिखते हो आप तो बहुत शरीफ दिखते हो आप इतना नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो तो वो मुझे एक पॉजिटिव वे में ही अच्छा लगता है एंड जब नेगेटिव भी बिकॉज एवरी वन इमली तो लोग ये भी लिखते हैं कि क्यों इमली को परेशान कर रहे हो जिस टॉपिड ऑल देट तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को इफेक्ट हो रहा है you know, actor, तुम्हारा पर्पस ही होता है कि them, them. तो वो अगर हो रहा है तो मतलब मैं कुछ तो सही कर रही हूँ अभी तक तो नहीं है ऐसा मतलब होपफुली ऐसा ना ही हो बिकॉज uh, जो भी क्रिटिसिज्म है अगर एक्टिंग के बारे में भी कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो आई ट्राई टू कीप इट इन माइंड कि मे बी कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं बेटर कर सकती हूँ तो मैं उसे उस तरह से लेना प्रेफर करती हूँ hmm. बहुत uh, मतलब सब लोग बिकॉज विद द सेकेंड सीजन ऑलमोस्ट एवरी इज न्यू इन दिस शो और लेकिन मैं अभी एज अ एक्टर ही न्यू हूँ और सब लोग इतने एक्सपीरियंसड हैं सब लोग इतने सालों से काम करें सो एवरी वन हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव विद मी मतलब मुझे सिखाते भी हैं सब लोग ऐसा भी होता है चाहे वो सीनियर्स हों जैसे फैमिली मेम्बर्स हों या फिर इमली खुद हो तो दे आर सो दे ट्रीट मी लाइक अ न्यू चाइल्ड ओनली बिकॉज उन्हें पता है कि इसका पहला शो है एंड uh, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कुछ अच्छा होता है तो एंड जैसे ही हमें ऑफ्स मिलते हैं तो सब लोग हैंग आउट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे तो मुझे तो उस चीज़ का प्रेशर था कि आई नोट लिव अप टू द परफॉर्मेंसेस दैट दे हैव डन मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो थी ही एज अ कपल एंड एज इमली आल्सो बट मुझे ऐसा था कि आई वांट कि पीपल शुड नॉट से यू आर दे परफॉर्म सो वेल एंड दे आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट आई वॉन्टेड टू डू माई बेस्ट कि हम लोग पूरा अपनी तरफ से एफर्ट करें एंड आई थिंक अब लोगों ने जो एक्सेप्टेंस दिया है एट्स अ प्रूफ कि हम एटलीस्ट उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए आ, मतलब हमारा मॉक शूट था और प्रोमो uh, शूट था एंड देवर रैपिंग इट अप लास्ट के टू थ्री डेज चल रहे थे उनके तो वो भी बिजी थी काफ़ी ज्यादा तो वी मेट फॉर अ फॉर लाइक टू थ्री मिनट एंड उसमें शी वॉज वेरी नाइस एंड शी हक डस एंड शी विश ड जस्ट द बेस्ट फॉर द शो एंड शी सेट कि सब अच्छा होगा don't worry very motivating she was <laughs> uh, मेरा uh, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे टी वी ही करना है या वेब सीरीज ही करना है uh, मुझे लगता है कि वॉट एवर स्टोरी कम्स टू मी इफ दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी इवन इफ आई हैव स्मॉल पार्ट इन इट आई वु वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट भी इट अ फिल्म और अ वेब सीरीज और इवन अ टी वी शो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को छू सकता है या वो मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ तो मुझे करना है hmm. चाहे वो टीवी हो चाहे फिल्म हो चाहे कुछ भी हो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर लविंग अ नेगेटिव कैरेक्टर दैट मच दैट दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल एंड जो कॉन्स्टेंटली आप लोग सपोर्ट करते हो मोटिवेट करते हो इनफैक्ट कि इफ आई एम नॉट देयर यू वॉन्ट मी टू कम बैक दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड थैंक यू फॉर दैट एंड हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर ओन लाइफ बिकॉज एवरी वन नीड्स इट